गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू बिल्ड वीडियो। तो गाइस आज का जो हमारा बिल्ड होने वाला है वो होने वाले पिकाचू के ऊपर। भाई पिकाचू भाई अपना भाई लिटिल पिका भाई बहुत बेहतरीन पोकेमोन है। तो भाई आज इसके ऊपर भाई फाइनली बिल्ड बनाने वाला हूँ। भाई काफ़ी लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई इस पोकेमोन पे बनाओ उस पोकेमोन पे, भाई मैंने सबके नोट कर रखे और अब नेक्स्ट उस पर ही आएगा। तो गाइस आज मतलब स्क्रीन पे ना काफ़ी लोग पूछते कि भाई तुम पिकाचू इतना बढ़िया खेलते हो, तुम पिकाचू पे यूज़ क्या करते हो? तो गाइस आज मैं अपना बिल्ड बता रहा हूँ भाई पिकाचू पे। भाई मैं सबसे पहले भाई मूव सेट बताया, तो पिकाचू पे भाई मूव सेट यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रा बॉल और अपना थंडर बोल्ट। ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठता बट भाई मेरे को ये बेस्ट लगता है भाई मूव सेट कॉम्बिनेशन, क्योंकि भाई देखो थंडर बोल्ट स्टन कर देता है और भाई इलेक्ट्रा बॉल अपना भाई पीछे करके भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला डैमेज देती है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि भाई ये वाला ए पॉम कर यार क्या ये उसका नाम नहीं पता, ये चुरा लूँ और भाई इसे चुरा के भाई अपना इलेक्ट्रा बॉल आ चुकी है। अब होता है भाई यहाँ पे डैमेज देने का खेल स्टार्ट। देखो कि अभी स्टंट तो दे नहीं सकते भाई अपना, ये तो आया नहीं है क्या बोलते हैं इसे, क्या है यार ये थंडर बोल्ट, भाई थंडर बोल्ट अभी तक आया नहीं। तो भाई मैं ट्राई करता हूँ भाई जल्दी से जल्दी लेवल अप करूँ और भाई अपने आप को थंडर बोल्ट से भाई एक्विप कर लूँ। भाई इतने में 20,000 आती है और भाई मैं ट्राई करता हूँ कि भाई 1-2 20 तो निकाल लूँ, थोड़ा लेवल अप हो जाएगा मेरा। तो भाई मैं बचा के रखता हूँ और इतने में भाई मैं 2-20 निकाल लूँ। तो भाई अपना ये गेंगारा पता नहीं क्या है भाई, इस वाले एवोल्यूशन का मेरे को नाम नहीं पता, तो भाई जज करना मत मेरे को। तो भाई पहला वाला होता है घैस्टली मेरे हिसाब से, और उसके बाद पता नहीं यार, छोड़ो गेम प्ले पे फोकस करो भाई। और यहाँ पे आ रहा तो भाई मैं ये वाली कॉर्फिश मारने के लिए, और भाई इस वाली को कॉर्फिश मार देता हूँ मैं, उसके बाद मैं आ जाता हूँ कॉमन के ऊपर, कॉमन ले लूँ भाई और अपना लेवल अप जल्दी से जल्दी मैं कर लूँ। मेरा ट्राई रहता है यार जल्दी से जल्दी मैं लेवल अप करके ना अपनी अल्टी ले आऊँ यहाँ पे। और भाई हमारे डोरा भाई भाई बंदों को मारने से ज़्यादा ना अपना दूसरे बंदे का फार्म चुराने फोकस करते हैं। और भाई इतने में भाई मैं गोल करने जा ही रहा होता तो इतने में भाई 4 मिलियन आ जाता। देखो यहाँ पे मार रहा है हर आदमी फ्री में, भाई अपना मूव वेस्ट कर रहा है, फिर कूल डाउन आ जाएगा, फिर रो देगा अगर कोई बंदा आ गया। वैसे ही से भाई नर्फ मिल चुका है यार, अगर आपको नर्फ्ड डुराल डॉन के ऊपर बिल्ड चाहिए तो भाई जल्दी से कमेंट करो, मैं नेक्स्ट भाई बिल्ड मैं उसके ऊपर बना दूंगा। तो भाई देखो अब यहाँ पे भाई आ चुकी है बात अपने, आ चुका है थंडर बोल्टर में, ट्राई करता हूँ कि मैं स्कोर करूँ भाई, पर भाई स्कोर मेरे को करने देता नहीं है। ठीक है भाई मैं स्कोर तो कर नहीं पाता भाई, मैं सोचता स्टन कर दूँ, भाई स्टन नहीं कर पाता, स्टन भी नहीं कर पाता। और इतने में भाई इनके आ रहे थे 3 बंदे, इनका भाई फुल ट्राई रहते कि नीचे वाला बेस फोड़ दे। भाई नीचे हो चुके भाई, देखो 4 बंदे, पिकाचू, 4 मिलियन, टैलन और अपना भाई सिलेंडर। भाई फुल ट्राई करते रहते हैं भाई, मेरे भी भाई बंदे आ जाते हैं, अपना डुरालूडोन आ जाता है और अपना भाई ये गेंगार आ जाता है। भाई गेंगार को जब से बफ मिला है ना भाई, गेंगार बहुत ही ज़्यादा ओपी हो चुका है भाई, बेहतरीन एकदम भाई। 20 के ऊपर भाई बस ले रहे होते हैं भाई। अब मैं ट्राई करता हूँ कि इसे मार दूँ, पर इसे भाई अपना गैस क्या बोलते हैं अपना गेंगार मार देगा। और भाई यहाँ पे 1v4 हम करी मतलब 3v4 हम निकाल लेते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा होता हूँ ना। तो पहले भाई लो एचपी होते हैं आके मार देते हैं भाई, इतने में आ रहा था अपना भाई बेस करने चला रहा था मैं। फिर भाई इतने में भाई मैं आ रहा था भाई इसके ऊपर ड्रेडनो के ऊपर, तो भाई देख तो भाई ड्रेडनो को भाई पहले ही मार रहे होते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि भाई ड्रेडनो से स्टील कर लूँ, पर भाई ये फोकस करता है कि मेरे को पकड़ ले। फिर भी भाई अपनी अल्टी वेस्ट कर देता है भाई पागल फ्री फंड में, एक पोकेमोन के ऊपर कौन अल्टी मारता है, तभी मारते हैं ना जब बिल्कुल बचना ही हो आपको और टाइम हो पास। भाई अपनी अल्टी वेस्ट कर देता है और भाई यहाँ पे मैं इससे बच के निकल जाता हूँ। देखो भाई फुल ट्राई करता है कि ये मेरे को पकड़ ले, बेस कर लेता हूँ मैं। तो भाई बेस करके मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ भाई, इतने में भाई इसे पकड़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है डोरा को ये पकड़ लेते हैं भाई, हम डोरा और गैस्टली को हमारा ये पकड़ लेता है भाई। इतने में इसका लिल पीका भी नीचे आ रहा था भाई, तब देखो पीका और पीका होगा भाई अपना माचा पा रहा था, माचा भाई फुल बहुत तगड़ी हेल्प करता है। अब देखो भाई एक्सपीरियड लगाया मैंने, मेरे को बूस्ट मिला, अब मैंने डैमेज दिया और भाई इलेक्ट्रोबॉल ने जाके से पीछे से मार दिया। भाई इलेक्ट्रोबॉल का यही एक फ़ायदा है कि वो भाई बंदे जितनी भी दूर चला जाए वो अगर उस पर भाई सेट है ना तो उसको भाई जाके वो मारेगी। भाई यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ कि भाई इसे मारूँ और भाई अपना थोड़ा लेवल अप सा कर लूँ, क्योंकि अल्टी आ चुकी है भाई, मेरे को लेवल अप चाहिए। जितना ज़्यादा लेवल अप होगा उतना ज़्यादा मेरे मूव का डैमेज बढ़ेगा। और भाई यहाँ के क्या मैं देखता हूँ भाई अपने फार्म के अंदर भाई इनों का ये है गारचोम्प है भाई, गारचोम्प की अल्टी यार पता नहीं कौन यूज़ कर पाता हो यार, मैं तो कर नहीं पाता। तो भाई यहाँ पे आके मैं अपनी ये वाले लेवल अप करने के लिए वाले मेरे को नाम नहीं पता यार, ये वाले वाइल्ड एनिमल्स मारने चालू कर, तो मैं इन्हें वाइल्ड एनिमल्स बोलूँगा, तो ठीक है भाई मेरे को प्रेफर रहेगा। तो भाई यहाँ पे मैं कॉर्फिश मारने स्टार्ट करूँ तो भाई जितना ज़्यादा लेवल अप होगा उतना ज़्यादा डैमेज होगा। अब भाई अपनी इलेक्ट्रोबॉल उसी के प्लस, तो भाई अब मैं यहाँ से बेस करता हूँ भाई, देखता हूँ यहाँ पे नीचे इनों के बहुत सारे बंदे आ जाते हैं।
भाई इसको पीछे करके मारा। मैं ट्राई करता हूँ कि भाई टैलन को यहीं पे पकड़ लूँ, टैलन को ही जान लूँ, पर भाई टैलन पर बढ़ करके निकल जाती है। वहीं भाई अपने देखो अब दूसरा ड्रेड आने वाला है, तो भाई ड्रेड के लिए जाएंगे हम, इसके सेंटर को भी यहाँ पे पकड़ लेंगे भाई। सेंटर भाई पर बच के निकल नहीं निकल पाया, निकल गया यार। चलो कोई नहीं यार, सेंटर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ पे 20 मारने स्टार्ट कर देंगे। और भाई अब देखो यहाँ पे होगा जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप डाली थी ना 1v3 वाली, वो ये मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट में मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप इस मूवमेंट को देखना और इन्जॉय करना भाई यहाँ पे। चलो मैं बोल ही देता हूँ, अब यहाँ पे भाई आके हम भाई ड्रेड दोनों मारना स्टार्ट कर देते हैं, मैं और डूरा। भाई डूरा भी तगड़ा डैमेज दे रहा था, मैं भी तगड़ा डैमेज दे रहा था। भाई अब देखो आई, और यहाँ पे भाई फुल ट्राई कर दिया कि चुरा ले भाई टैलन, कितनी हरामी हो रही। अब देखो भाई इनका गारचोंप आ गया, पीका आ गया और ये आ गया। भाई डूरा भी सही अच्छा डैमेज दे रहा होता है, मेरे हेल्प कर देता है, तो भाई मैं इसे पकड़ ही लेता हूँ। भाई मेरा 1v4 होता अगर डूरा उसे नहीं लास्ट हिट नहीं मारता तो। भाई यहाँ पे मैं आराम से अपना बेस करता हूँ, बेस करके जाके भाई मैं फिर से नीचे आ रहा था, क्योंकि भाई मेरा काम है नीचे के वाइल्ड एनिमल्स मार के अपना लेवल अप करना और नीचे का बेस डिफेंड करना। अभी रॉटम तो आया नहीं कि मैं ऊपर जाऊँ, तो इसलिए मैं रॉटम में अपना लेवल अप करने में फोकस करता हूँ। और देखो भाई अब मेरी अल्टी देखो, चार्ज एम्पलीफायर की वजह से अल्टी मेरी चार्ज कितनी जल्दी हो रही है। देखो भाई इनकी टैलेंट आ गई, टैलेंट भाई फुल ट्राई करेगी, पर भाई वो वाला क्रैब नहीं ले पाती। कोई दिक्कत नहीं भाई, हम अपने लेवल अप करने में फोकस करेंगे। अब देखते हैं भाई अपने बंदे कहाँ पे, माचा भाई ऊपर 1v1 ले रहा है। भाई इनका पीका नीचे आ चुका है। भाई पीका भाई तू क्या कर रहा है, पीका क्या कर रहा है तू यार। पीका भाई स्कोर कर ही देता है भाई, पीका भाई स्कोर शील्ड कौन यूज़ करता है वैसे, मेरे को तो आज तक नहीं समझ आया भाई पीका भाई कोई भी स्कोर शील्ड नहीं यूज़ करता। भाई अपनी इलेक्ट्रो बॉल है यार, इलेक्ट्रो बॉल भाई आराम से ईजिली उसे पकड़ ही लेगी। अब यहाँ आके मैं आराम से भाई अपना 20 मारनी चालू कर देता हूँ, तो भाई 20 मार के मैं अपना लेवल अप कर ही रहा होता हूँ। इतने में भाई मेरे को ऊपर देखता है कि भाई रॉटम आ रहा है, और भाई पीछे अपना भाई टैलेंट भाई फुल तगड़े वाला 49 का गोल कर रहा है, 50 का गोल कर ही देता भाई वो। फिर मैं बेस करके यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ, बेस करके यार मैं फिर से नीचे आके इन्हें मारना चालू कर देता हूँ। तो गाइस अब देखो सिचुएशन ये हो चुकी है भाई, हमारे मतलब चार में से तीन बेस फूट चुके हैं, उनका एक बेस फूटा है, और भाई हम अभी भी भाई लेवल अप हमारा बहुत कम है। तो भाई ये फुल ट्राई करते हैं कि भाई ये यहाँ पे मेरे को मार दे, क्योंकि भाई फिर रीसेट हो जाएगा टाइमर। भाई इतने में अपना भाई ये बंदा क्यों ऑफलाइन हो जाता है यार, भाई मेरे को आज तक नहीं समझ आया भाई बंदे रैंक्ड के टाइम पे क्यों ही ऑफलाइन होते हैं। भाई मैं आके यहाँ पे भाई फुल वो करता हूँ कि मैं बैठ जाऊँ भाई आराम से, और एंड में जाके अल्टी मार के भाई ट्राई कर लूँ स्टील करने का, बट वो नहीं हो पाता। यहाँ पे मैं अल्टी मारता हूँ भाई, अपने बंदे आ रहे थे, और भाई चार्ज आर्ट अपना अल्टी मार देता है, चार्ज आर्ट फुल मेरा पीछा करता है भाई, पर मैं ट्राई करता हूँ कि बच के निकल जाऊँ, पर नहीं होता यार ऐसा। भाई ये तो ना मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि भाई मैं ज़ैपडॉस फाइट के टाइम पे हमेशा मरूंगा ही मरूंगा, क्योंकि मेरे को ही बंदे टारगेट करते हैं भाई, इतने हरामी होते हैं ना बंदे भाई, फुल टारगेट टारगेट खेलते हैं भाई। इतने में अपना माचांप भाई ये निकाल लेता है भाई ज़ैपडॉस, भाई माचांप ने ज़ैपडॉस निकाल देना, उसी के बाद हम जीते भाई, मजाक छट के। वरना देखो अब 100 का गोल होएगा, 100 के 2 गोल हो गए भाई, टेल का यूज़ करके भाई क्या ही बंदा बचता है ये। तो भाई अब यहाँ पे भाई टेल का यूज़ करके वो बच गया, और भाई मैं आराम से आ रहा था, और अब भाई मेरा काम है भाई डिफेंड करना, हार्ड डिफेंड, गंदे वाला डिफेंड करना। भाई मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि जल्दी से मैं अपनी एल्टी लिया, क्योंकि एल्टी अगर मैंने स्पैम करी तो भाई बंदों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिलेगा। तो भाई वो भाई ट्राई करते हैं कि ऊपर आए और ऊपर वाला बेस फोड़ दे, पूरा फोड़ दे मतलब। तो भाई अब देखना आ गए सारे, भाई मैं ट्राई करूँगा कि इसे मार दूँ। भाई देखो इसकी शील्ड भाई एक उसके अंदर फूट गई, सिर्फ एक उसके अंदर थंडर बोल्ट के अंदर। भाई देखा मतलब कितना ज़्यादा डैमेज हो रखा है ना इसका। भाई इलेक्ट्रो बॉल बचेगी, नहीं बची। अब देखो भाई ये आ गया ऊपर, इनों का पीका भी आ गया यहाँ पे। भाई ऊपर ये फुल ट्राई करेंगे कि भाई ये जाके गोल कर दे, पर मैं भाई अल्टी मार के भाई दोनों को लपेटे में ले लेता हूँ। 1v3 भाई सिर्फ अल्टी से 1v3 कह रहा, 1v2 कर दिया भाई मैंने अल्टी से हैजरीन करके। भाई मैं आराम से आके पैड पे खड़ा हो रहा था और टाइम पास कर रहा होता हूँ। भाई टाइम सब हो चुका है, और अब देखते हैं भाई मैच का क्या हुआ। भाई मेरे को तो लगता है कि हम जीते होंगे, अब देखते हैं भाई ज़ैपडॉस निकालने के बाद जीते या नहीं जीते। अब देखते हैं भाई अपना ज़ैपडॉस निकालेंगे तो हम जीते या नहीं जीते। भाई देखो एंड तक भी हमारे थे, पर ज़ैप निकालते भाई हम जीत गए। भाई ज़ैप निकालने का ही फ़ायदा होता है। तो गाइस अब मेरा डैमेज देखना, मेरे किल्स देखो, मेरे किल्स भी 9 है, डैमेज देखो 69,000 का भाई सबसे ज़्यादा डैमेज है। भाई ये इस बिल्ड की खासियत है, तुम अल्टी जितनी जल्दी चार्ज करो इतना ज़्यादा तुम डैमेज दे पाओगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और
अगर आपको ऐसे ही बिल्ड वीडियोस चाहिए तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस पोकेमोन के ऊपर आपको बिल्ड वीडियो चाहिए उसका नाम कमेंट करें। मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। जब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।